हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पोर्टल ऑफ एबेक्स अकेडमी रुड़की। लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एनर्जी इंटरेक्शन इन ब्रैकेट हीट एंड वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेक्शन? इंटरेक्शन द इंटरेक्शन बिटवीन ए क्लोज्ड सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कैन टेक प्लेस इन टू टू वेज। नंबर फर्स्ट इज वर्क ट्रांसफर एंड सेकंड इज हीट ट्रांसफर। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की। उसके बाद हम कंबाइंड स्टडी करेंगे हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो कंबाइंड स्टडी करेंगे हम हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर की, वो कहां करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंटरेक्शन। द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन ए क्लोज सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कैन टेक प्लेस इनटू टू वेज। नंबर फर्स्ट इज वर्क ट्रांसफर एंड सेकेंड इज हीट ट्रांसफर। या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर बाय हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क ट्रांसफर क्या है और हीट ट्रांसफर क्या है। देख लीजिए, मान लीजिए बच्चों आपके पास में यहाँ पर एक सिस्टम है। ये क्या है? यहाँ पर एक सिस्टम, और सिस्टम कौन सा है आपके पास में? क्लोज सिस्टम। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। और बाहर क्या है आपके पास में? यहां पर ये सराउंडिंग। अब जो एनर्जी इंटरेक्ट करेगी सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, वो दो फॉर्म में करेगी। नंबर फर्स्ट इज बाय वर्क ट्रांसफर, नंबर सेकेंड इज बाय हीट ट्रांसफर। इन फिजिक्स आप सभी को पता है व्हाट इज वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो वर्क है आप सभी को पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो प्रोडक्ट है आपका किसका है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। कि मान लीजिए कि आपके पास में ये एक ब्लॉक है कुछ इस तरीके से ये, और इस ब्लॉक पर आपने एक एफ फोर्स लगाई, ये एफ फोर्स। Let us assume that this force is capable of moving block. Okay, चलिए अब क्या है कि the direction of motion and motion direction, whenever you calculate work, force should be in direction of motion. जब भी आप work calculate करोगे तो जो force होगी वो किस direction में चाहिए? Direction of motion. क्लियर? चलिए, अब जब आपने इस ब्लॉक पर कोई फोर्स लगाई एफ, तो ये ब्लॉक आपका यहां से शिफ्ट हुआ कुछ यहां पर इस तरीके से, ये और यहां से लेके यहां तक ये कितना डिस्प्लेस हुआ आपका? सम डिस्टेंस एक्स दिस। अब आपको यहां पर वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क क्या है कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहां पर फोर्स मान लीजिए कितना है आपके पास में? 10 न्यूटन फोर्स आपने लगाया और डिस्प्लेस हुआ यहां से 2 मीटर, तो कितना आएगा आपके पास में? 10 इंटू टू इज इक्वल टू, और फोर्स की यूनिट क्या है आपके पास में? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है आपके पास में? मीटर। तो कितना आएगा आपके पास में? 20 न्यूटन मीटर।
और आप सभी को पता है कि न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, जूल। तो जो वर्क आएगा, वर्क इज इक्वल टू 20 जूल। नंबर सेकंड चीज, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में ना लग के, यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन में ना लग के, अगर ये फोर्स यहां पर किसी एंगल पर लगेगी तो इसको हम दो कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे, उसके बाद टेक द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसमें हम वो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे जो क्या लगेगा आपका, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये था आपका फिजिक्स में जो आप वर्क पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर एक, हमने रखी एक बैटरी, ये क्या है आपके पास में, एक बैटरी, और इस बैटरी से हमारा कनेक्ट है रजिस्टर, रजिस्टर या फिर कोई कोयल हमारी इस बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि, और दूसरी चीज कि ये जो हमारी बैटरी है ये हमारे पास में क्या है, सिस्टम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज वर्क, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यहां पर वर्क कितना होगा, क्योंकि वर्क के लिए आपको नीड है किसकी, फोर्स की, कि कितना फोर्स हमने लगाया, कितना हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप यहां देख सकते हैं इस पिक्चर में, ना तो आप यहां पर फोर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं और ना यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए आप सोचते रहोगे कि यहां पर वर्क कितना होगा। इज दैट क्लियर? अब अगर हम इस बैटरी को यहां पर, ये क्या है आपके पास में, सेम बैटरी, ये क्या है आपके पास में यहां पर, सेम बैटरी, और सेम बैटरी, अब इस बैटरी से, और बैटरी क्या है हमारे पास यहां पर, सिस्टम, और बैटरी क्या है हमारे पास यहां पर, एक सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से, सेम बैटरी और सिस्टम भी हमारे पास में क्या है, बैटरी। अब यहां से जो 10 एम्पियर का करंट निकलेगा, जो कहां पर गया था, रजिस्टर या कोयल में, अब रजिस्टर और कोयल को रिप्लेस करके हम यहां पर कनेक्ट करेंगे एक मोटर को कुछ इस तरीके से, ये क्या स्टूडेंट आपके पास में, एक मोटर, मोटर, और इस मोटर से हमारी कनेक्ट है यहां पर एक शाफ्ट, शाफ्ट, और इस शाफ्ट से कनेक्ट है हमारे यहां पर एक पुली, और यहां पर रोपिंग के थ्रू हमने यहां पर कुछ लटका रखा है इसके ऊपर वेट, इसका मास है हमारे पास में एम। सेम सिस्टम, यहां पर क्या है आपके पास में, बैटरी, यहां पर भी क्या है सिस्टम आपका, बैटरी, लेकिन हमने इस सिस्टम में, इस पिक्चर में रेजिस्टेंस और कोयल को रिप्लेस किया किससे, एक मोटर से। अब यहां से जो 10 एम्पियर का करंट निकलेगा उससे हम रन कराएंगे इस मोटर को, और इस मोटर से हमारी कनेक्ट है एक शाफ्ट, जब मोटर रन करेगी तो शाफ्ट हमारी कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, जब शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी तो जो ये वेट है, जिसका ये जो मास है, ये क्या जाएगा आपका, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, जैसे ये डाउन आएगा आपको क्या दिखाई देगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, और क्या निकाल सकते हैं यहां से, आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आसान शब्दों में अगर हम कहें तो यहां पर आप वर्क को विजुअलाइज कर सकते हैं कि यहां पर वर्क कितना होगा, क्योंकि वर्क के लिए क्या नीड है आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने वर्क की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या है आपका, देख लीजिए आप, बात समझ में आ रही है ना आपको, यहां पर आप वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन यहां पर आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम व्हेन द सोल, सोल मींस होगा आपका कंप्लीट या नेट इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, बात समझ में आ रही है आपको, कैन बी इक्वेटेड रेजिंग वेट, कैन बी इक्वेटेड रेजिंग वेट, वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज,
वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज बट द इफेक्ट कैन रेजिंग वेट। तो इस पिक्चर में यहां पर हमने वर्क की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया कि वर्क क्या है इन फिजिक्स के अंदर, और थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा वर्क तभी होगा जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा। मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं यहां पर, और अब अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो जो मेरी लिप्स है यहां पर, ये क्या है, एक सिस्टम। अगर मैं यहां पर खड़े होके इस तरह से कुछ बड़बड़ाता रहूंगा, आप देखोगे कि यहां पर वर्क होगा, लेकिन ये सिस्टम की बाउंड्री जब तक लिप्स क्रॉस नहीं होगी, जो मैं बोलूंगा वो आप तक आवाज नहीं आएगी। इसीलिए वर्क क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं यहां पर। वर्क इज सेड टू बी कैन बी इक्वेटेड रेजिंग वेट। थर्मोडायनेमिक वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम व्हेन द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम। इसको आप रेडिंग से नोट करिएगा, एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट। वेट में नॉट बी एक्चुअली रेज बट द इफेक्ट कैन बी इक्वेटेड रेजिंग वेट। चलिए यहां पर थर्मोडायनेमिक वर्क को हम कुछ पिक्चर से समझते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं यहां पर कि, और दोनों के दोनों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर वन, वर्क ट्रांसफर अकर्स ओनली इट क्रॉसेस द बाउंड्री। वर्क ट्रांसफर अकर्स ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री। पॉइंट नंबर वन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क ट्रांसफर अकर्स ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री। पॉइंट नंबर सेकंड इज, यहां से अच्छा आपको, आपने चार डायग्राम देखे, तो चार डायग्राम देखने के बाद आपको पता चला कि देयरफॉर वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिनन। देयरफॉर वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिनन। तो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में। वर्क ट्रांसफर आपका तभी होगा जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा। दूसरा, अगर वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इसीलिए वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिनन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास में, कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। देखिए बच्चे, आपने देख लिया कि वर्क ट्रांसफर कैसे होगा जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा। अब कन्वेंशन की हम बात करेंगे। यहां पर क्या है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। अगर हमें सिस्टम से कुछ वर्क मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगी, उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर हम सिस्टम को कुछ इनपुट देंगे या सिस्टम में कुछ वर्क करेंगे तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। हीट ट्रांसफर में जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वहां पर कन्वेंशन थोड़ा उल्टा है। वहां पर सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी, मतलब नेगेटिव, सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए, आप पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी यहां पर कि कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, वर्क डन टेकन एज निगेटिव।
तो देखिए बच्चों डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। चलिए देखते हैं यहां पर कि मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक इस तरीके से सिस्टम है, सिस्टम ये क्या है आपके पास में एक सिस्टम है, और जब हम इस सिस्टम को यहां से हमने वर्क दिया क्या लेंगे इसको हम नेगेटिव, और ये क्या है आपके पास में इनपुट, और जब हम को इस सिस्टम से वर्क मिलेगा क्या लेंगे यहां पर हम पॉजिटिव जो वर्क आएगा, और ये क्या आएगा आपके पास में यहां पर आउटपुट। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से ये, और इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर यहां पर रखा हुआ है आपने एक वेट W, और ये क्या है आपके पास में सिस्टम, और इसके अंदर क्या है बच्चों आपके पास में यहां पर गैस, और ये क्या कर रहा है यहां से आपका कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन। सेकंड इसको हमने नाम दिया कंप्रेशन। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है कि ये फर्स्ट क्या है आपके पास में एक्सपेंशन, और सेकंड क्या है आपके पास में कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन के केस में जब हम गैस के मॉलिक्यूल को हीट सप्लाइड करेंगे, और ये क्या है यहां पर आपका कंप्रेशन, यहां पर क्या है आपका हीट रिजेक्ट होगी। देखिए बच्चों अगर यहां पर हम बात करेंगे एक्सपेंशन की और कंप्रेशन की, जब इस इन गैस के मॉलिक्यूल्स को हम हीट सप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है आपके एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे, जब ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो यहां से पिस्टन क्या जाएगा ऊपर की ओर मूव करेगा, इट मींस एक्सपेंशन एक्सपेंड करेगा। और सेकंड अगर हम बात करें कि जब गैस के मॉलिक्यूल से हम हीट को रिजेक्ट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर क्या है कि पिस्टन क्या आएगा आपका नीचे की ओर आएगा यहां पर, और यहां क्या हो रहा है आपका एक्सपेंशन, यहां क्या हो रहा है आपका कंप्रेशन। मान लीजिए कि आपके पास में एक स्प्रिंग है ये, और जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे यहां पर तो आप इस स्प्रिंग क्या है आपके पास में एक सिस्टम, जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे तो आप इस सिस्टम पर वर्क करोगे, इट मींस क्या है ये आएगा आपके पास में यहां पर नेगेटिव। जब सिस्टम स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया तो आपने इस पर वर्क किया, और जब हम सिस्टम को वर्क देंगे इज टेकन एज नेगेटिव, और एक्सपेंशन के केस में स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होगा, कंप्रेस करने के बाद जैसे ही वह आपके एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन के केस में क्या आएगा वर्क आएगा आपके पास में पॉजिटिव। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में नोटेशन कि जब भी हम सिस्टम को वर्क देंगे उसको हमेशा हम मान के चलेंगे क्या पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, और जब हमें सिस्टम से वर्क मिलेगा इज टेकन एज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका जनरलाइज इक्वेशन फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। यहां पर आप देख भी सकते हैं ये क्या है आपके पास में पॉजिटिव है, ये क्या है आपके पास में नेगेटिव है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम वर्क। आपके पास में है जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम
वर्क, जनरलाइज इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम वर्क। देखिए बच्चों यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये और अंदर क्या है यहां पर इसमें ये गैस, ये क्या है आपके पास में यहां पर गैस, और इस पिस्टन पर जो अंदर से प्रेशर लगेगा गैस प्रेशर वो कितना है मान लीजिए आपके पास में यहां पर पी, ये प्रेशर कितना है आपके पास में पी, और पिस्टन का जो एरिया है आपके पास में कितना है ए, और पिस्टन ने कहां से कहां मूव किया आपके पास में, ये इसको कर लीजिएगा ये, और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक का वो कितना है आपके पास में dx। अब देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं प्रेशर की, तो आप सभी को पता है कि जो प्रेशर है प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है आपके पास में नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की यूनिट क्या आपके पास में न्यूटन, एरिया की क्या आपके पास में मीटर स्क्वायर, तो जो प्रेशर की यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं फोर्स को, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। चलिए अगर हम यहां पर बात करेंगे वर्क की, तो आप सभी को पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर क्या है कि जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे, तो इस पिस्टन पर जो अंदर की ओर से प्रेशर लगेगा या जो ये कहें हम फोर्स एफ लगेगी, प्रेशर कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गैस प्रेशर कितना है और पिस्टन का एरिया आपका कितना है। यू आर कैलकुलेटिंग वर्क, द फोर्स शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपको मैंने बताया था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप यहां पर वर्क कैलकुलेट करोगे, तो जो फोर्स होगी फोर्स कहां लगनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो दैट फोर्स क्या होनी चाहिए आपके पास में, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां से मिला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है आपके पास में, अगर यहां पर फोर्स की बात करेंगे तो पी इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या है ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, कितना आएगा आपके पास में डीएक्स, तो यहां पर ये यह कितना आएगा आपके पास में डीएक्स, और वर्क का जो नोटेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी डब्ल्यू से, और यहां पर हम लगाएंगे सबमिशन। ये क्यों लगाया ये मैं अभी आपको बताऊंगा, तो डी डैश डब्ल्यू, और इसको हम लिख सकते हैं यहां पर डेल डब्ल्यू भी, डी डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, क्या होती है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हैं यहां पर इनटू डी वी। अभी हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा आपके पास में W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू डी वी, ये क्या मिला आपको यहां पर वर्क हमने कैलकुलेट किया कि इतना वर्क हमने किया W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी, और ये क्या है आपके पास में नॉन फ्लो और क्लोज्ड सिस्टम वर्क, ये क्या है आपके पास में नॉन फ्लो और क्लोज्ड सिस्टम वर्क, इज दैट क्लियर, ये क्या है आपके पास में नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क। ओके चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहां पर वर्क ऑन पीवी डायग्राम, वर्क ऑन पीवी डायग्राम, वर्क ऑन पीवी डायग्राम। चलिए प्लॉट करते हैं यहां पर
देखिए यहां पर क्या आएगा आपका प्रेशर, यहां पर क्या आएगा आपके पास में वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लार्ज डिफरेंस आएगा उनकी चेंज इन वॉल्यूम में और लार्ज डिफरेंस आएगा उनका चेंज इन प्रेशर में। लेकिन हम यहां पर एज्यूम करके चलेंगे कि इन दो पॉइंट्स के लिए, इन दो पॉइंट्स के लिए जो आपका प्रेशर होगा उसको हम मान के चलेंगे नेग्लिजिबल, कि जो प्रेशर चेंज आएगा इन दो पॉइंट के लिए वो क्या होगा आपके पास में नेग्लिजिबल चेंज होगा। यहां पर ये, और यहां पर क्या आएगा आपके पास में चेंज इन वॉल्यूम डीवी। अगर आप इस पिक्चर को यहां से जूम करके उठाओगे और इस पिक्चर को कुछ यहां पर इस तरीके से प्लॉट करोगे, ये ये क्या है आपके पास में वॉल्यूम, ये क्या है आपके पास में चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है आपके पास में प्रेशर, और प्रेशर क्या रहेगा आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है वर्क। अगर मैं यहां पर ये एरिया, तो जो आपके पास में एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू दिस साइड इंटू दिस साइड, पी इंटू डीवी। इज दैट क्लियर? सेकेंड, अभी आपने पढ़ा था क्लोज्ड सिस्टम वर्क, क्लोज्ड सिस्टम वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डीवी। अगर हम यहां पर कहें इसको इक्वेशन वन, इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन वन से इक्वेशन सेकेंड को हम देखेंगे तो यहां से स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा कि क्लोज्ड सिस्टम वर्क, क्लोज्ड सिस्टम वर्क इज इक्वल टू एरिया। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ये कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया, ये जो आपको एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस टू गिव्स नॉन फ्लो और क्लोज्ड सिस्टम वर्क। बात समझ में आ रही है आपको? एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस टू गिव्स नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क। जितना एरिया आपको मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा आपको, क्लोज सिस्टम वर्क मिलेगा। चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं मैं क्या है, आप इसको यहां से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए स्टूडेंट, आप साथ साथ इन नोट्स को कॉपी करते चलिएगा, क्योंकि इन नोट्स से अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप एससी की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, ए या जे की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए एरिया अंडर द कर्व, एरिया, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व व्हेन व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस टू गिव नॉन फ्लो और क्लोज्ड सिस्टम वर्क। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस टू गिव नॉन फ्लो और क्लोज्ड सिस्टम वर्क। तो आई होप यहां तक तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो आपके पास में इक्वेशन आई W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी, उस इक्वेशन को हम कहां कहां पर अप्लाई करेंगे। कंडीशन फोर अप्लाइंग
अप्लाइंग द इक्वेशन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू टीपी। देखिए क्या है, नेक्स्ट आपके पास में क्या है कि कंडीशन फॉर अप्लाइंग द इक्वेशन W इज इक्वल टू पी इंटू डीवी। ये देखिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का 100% चांस है कि यहां से आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। तो देखिए बच्चों कि ये जो इक्वेशन आपके पास में आई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जब भी थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या जब भी हम क्लोज सिस्टम के बाद, देखिए अभी कम से कम 10 से 12 या 15 घंटे हमारी क्लास चलेगी ओनली एंड ओनली क्लोज सिस्टम, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओपन सिस्टम। तो जब ओपन सिस्टम पढ़ेंगे तो ओपन सिस्टम में भी कभी कभी आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल गलत। अब इस इक्वेशन को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे वो मैं आपको कंडीशन अभी लिखूँगा। देखिए उन कंडीशन में नोट करिएगा आप, पॉइंट नंबर वन क्या आएगा आपके पास में, द सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज्ड सिस्टम। इस इक्वेशन को हम ओपन सिस्टम में यूज नहीं करेंगे। द सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज्ड सिस्टम। पॉइंट नंबर वन, द सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज सिस्टम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। एंड नंबर थर्ड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास में, द प्रोसेस मस्ट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस मस्ट बी ए रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट मैं आपको रेडिंग से दूंगा, आप ये मान के चलिएगा वो डिक्टो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर? जितने भी रेडिंग से मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, जितने लाइन में रेडिंग से बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, वो सारे के सारे क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट इज द सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज सिस्टम। सिस्टम क्या होना चाहिए आपके पास में, क्लोज सिस्टम। सेकंड, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। एंड नंबर थर्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोसेस मस्ट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए एक सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं रेडिंग से, उसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए द इक्वेशन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी इज वैलिड ओनली फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम undergoing a reversible process only। तो इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन W इज इक्वल टू पी इंटू डी वी इज वैलिड ओनली फॉर ए क्लोज सिस्टम undergoing रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। चलिए हम यहां पर अब चेक करेंगे कि जो वर्क ट्रांसफर है आपका, कि वो पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन। चलिए कि वर्क ट्रांसफर क्या है आपका, देखिए बच्चों, ये क्या है यहां पर आपका प्रेशर, ये क्या है आपके पास में यहां पर आपका वॉल्यूम। अब अगर हम पिक्चर प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से, यहां से यहां, ये क्या 1 to 2 सिंगल प्रोसेस,
और पाथ क्या है आपके पास में, पाथ ए। यहां से 2 to 1 ये क्या है आपके पास में, पाथ बी, और इसको कहेंगे हम थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में मीट कर जाए उसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल। नंबर 2, ये क्या है आपके पास में यहां पर, 2 प्रोसेस साइकिल। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क पीवी डायग्राम में कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस टू गिव नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क। देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर हम बात करें पाथ 1 to 2 की, तो पाथ 1 to 2 के लिए अगर मैं कुछ एरिया प्लॉट करूं तो क्या आएगा आपके पास में यहां पर, ये इतना इसने वर्क किया कहां, 1 to 2। अब अगर यहां पर मैं बात करता हूं 2 to 1 पाथ के लिए, तो क्या आएगा आपके पास में, एरिया आएगा आपके पास में। अब यहां से आप देख सकते हैं दो द एंड पॉइंट ऑफ पाथ ए एंड बी आर सेम बट द वर्क ट्रांसफर इज नॉट सेम बिकॉज एरिया अंडर डिफरेंट पाथ आर डिफरेंट, सो वर्क ट्रांसफर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इज अ पाथ फंक्शन, इज अ पाथ फंक्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पाथ के लिए जो वर्क ट्रांसफर होगा वो क्या होगा आपका, अलग अलग, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस टू गिव्स नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क, इसके लिए क्या है रेडिंग, किसके लिए है, पाथ ए के लिए, इतना वर्क इसने किया, और बी के लिए क्या है, ग्रीन कलर ये शेड, ये पाथ बी का वर्क है। तो जब आपके पास में पाथ डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वर्क क्या होगा आपके पास में, वर्क भी आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर यहां से मैं एक पाथ यहां पर और लेके जाऊंगा कुछ इस तरीके से, तो यहां पर वर्क क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इज अ पाथ फंक्शन। और वर्क को हम डिनोट किससे करते हैं, डे डैश डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू। इसीलिए लास्ट डेरिवेशन में जनरलाइज इक्वेशन जो मैंने आपको कराया था वहां पे डी डब्ल्यू की जगह हमने क्या लिखा था, डी डैश डब्ल्यू, बिकॉज वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। चलिए डेफिनेशन में आपकी इसकी दे देता हूं कि डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, दो द एंड पॉइंट, दो द एंड पॉइंट इन एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और यहां पर हम इसको डिनोट करेंगे डेल डब्ल्यू और डी डैश डब्ल्यू। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो वर्क ट्रांसफर है हमारा वो पॉइंट फंक्शन ना होके क्या है हमारे पास में, पाथ फंक्शन। तो स्टूडेंट आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, प्रेशर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा, मास पढ़ा, ये सारी की सारी क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी। तो सब नंबर 1 हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी पाथ फंक्शन आएंगे 1 by 1 में करके आपको बताता रहूंगा। तो नंबर वन पाथ फंक्शन कौन सा है आपका, वर्क। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन। तो देखो वर्क आपको पता है क्या है, पाथ फंक्शन है पॉइंट फंक्शन है, हीट के अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।